हेलो एवरीबॉडी, देखिए जरा आपके लिए क्वेश्चन है। लॉट्स ऑफ मिल्क ये करेक्ट है, लॉट्स ऑफ पेंस ये करेक्ट है। मतलब कि लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए कि लॉट्स ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आना चाहिए। लॉट्स ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन सही होगा कि लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल। इसी से कि लॉट्स ऑफ मिल्क ये अनकाउंटेबल है, लॉट्स ऑफ पेंस ये काउंटेबल है, दोनों में कौन करेक्ट है? ठीक, देखिए सम के बाद काउंटेबल नाउन आना चाहिए कि सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन, तो उस हिसाब से सम पेंस ये काउंटेबल है, सम मिल्क ये अनकाउंटेबल है, दोनों में कौन करेक्ट है? फिर देखिए द अमाउंट ऑफ इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आना चाहिए। इस हिसाब से देखिए पेन काउंटेबल है ये अनकाउंटेबल है, तो अमाउंट ऑफ पेंस ये सही हुआ कि द अमाउंट ऑफ आयल ये सही हुआ। ठीक, इसी तरह से देखिए एनफ के बाद काउंटेबल नाउन सही होगा कि एनफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन सही होगा, तो ये काउंटेबल है ये अनकाउंटेबल, तो एनफ बॉय करेक्ट है कि एनफ मिल करेक्ट है। ठीक, इसी से देखिए ए गुड डील ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आना चाहिए कि ए गुड डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल आना चाहिए। ठीक, ये अमाउंट ऑफ, एनफ, गुड डील ऑफ, लॉट्स ऑफ ये सब एडजेक्टिव है, क्या है? सब एडजेक्टिव, तो इनके बाद काउंटेबल आना चाहिए कि अनकाउंटेबल। कंफ्यूज हो गए? तो चलिए इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इसी वीडियो में। वीडियो को आप पूरा देखिए मेरे साथ। मैं हूं योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, तो अभी आपने जो क्वेश्चन देखे उन सारे क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उसको आप प्रेस कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, वरना आगे बढ़िए। चलिए देखिए आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर बताता है, नंबर मतलब संख्या बताता है, किसका? जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसको, उसका, उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसका एक नाम और है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो चाहे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहिए चाहे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो देखिए एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव, तो इसका मतलब ये क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन को। किसको? नाउन को, ठीक है ना। और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो ऐसा एडजेक्टिव जो परिमाण का बोध कराता है, मात्रा का बोध कराता है, ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो बात यह है कि परिमाण का बोध कराता है, मात्रा का बोध कराता है, तो किसकी मात्रा का, किसका परिमाण? जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसका परिमाण। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? यह एडजेक्टिव है, ठीक, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तभी तो एडजेक्टिव होगा, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। अगर ये एडजेक्टिव इस नाउन का परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तब इसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर ये एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और इस नाउन का क्वांटिटी बताएगा तब इसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, ठीक। अगर यह एडजेक्टिव इस नाउन का नंबर बताएगा तो यही एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो भी नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो भी नाउन को क्वालिफाई करता है। बस अंतर इतना ही है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसका परिमाण बताएगा, मात्रा बताएगा, ठीक, अमाउंट बताएगा।
और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसका नंबर बताएगा, संख्या बताएगा। ठीक, ये हो गया आपका डेफिनेशन कि जिस एडजेक्टिव से या ऐसा एडजेक्टिव जो मात्रा परिमाण का बोध कराता है, ठीक, उसी को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब कोई पूछे कि किसका परिमाण बताएगा, तो जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसी का परिमाण बताएगा। ठीक, यही चीज देखिए आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है ये कि एन एडजेक्टिव दैट टेल्स द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी को बताता है, ठीक, जिस थिंग्स मतलब जिस नाउन को, यहाँ नाउन से समझिए कि जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके क्वांटिटी को बताएगा, उसी को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, देखिए और एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है वो हाउ मच का आंसर देता है, हाउ मच। ठीक, हाउ मच से क्वेश्चन करिए, जो आंसर आएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, क्या होगा, क्वांटिटी होगा। और हाउ मेनी से आंसर क्वेश्चन करिए, जो आंसर आएगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक, चलिए ये एग्जांपल देखिए, कुछ सम हुआ, लिटिल हुआ, एनी हुआ, मच हुआ, एलॉट ऑफ हुआ, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। ठीक है ना, अब जैसे देखिए लिखा है आई हैव सम पेंस, मेरे पास कुछ कलमें हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आई प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये पेन नाउन है, बच गया सम। सम क्या है, तो सम देखिए, सम का रिलेशन किससे है, मेरे पास कुछ कलमें, तो क्या चीज कुछ है, इसका संबंध या तो इस प्रोनाउन से होगा या तो इसका इस पेन से होगा, नाउन से। ठीक है, तो क्या चीज, मेरे पास कुछ कलमें हैं, तो कुछ क्या है, मैं कुछ हूँ कि कलम कुछ है, तो कुछ क्या है, कलम है ना, मतलब ये सम शब्द इस कलम के लिए आया, पेन के लिए आया, आई के लिए नहीं आया है। ठीक, इसका मतलब हुआ हो गया कि सम का रिलेशन इस पेन से हुआ, तो इसका मतलब ये सम इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है। अब पेन क्या है, नाउन, तो जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब ये देखा जाए कि ये सम इस पेन का क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है कि क्वांटिटी, तो पेन का तो पहली बात कि नंबर बता रहा है कि क्वांटिटी, इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो पेन है, ये नाउन, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर ये पेन जैसे नाउन है, ठीक, तो नाउन है तो ये काउंटेबल हुआ कि अनकाउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो इसका नंबर होगा, अनकाउंटेबल है तो इसका क्वांटिटी होगा, ये पहले से आपको मालूम है। तो बताए पेन क्या है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, तो जिसको हम गिनेंगे उसका नंबर होता है, जिसको नहीं गिन पाएंगे उसका क्वांटिटी होता है, तो पेन को गिन लेंगे इसका नंबर होगा, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव इसका नंबर बता रहा है। ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए ऊपर मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताया हूँ, नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सम मिल्क इन द जग, मेरे पास जग में थोड़ा सा मिल्क है। अब यहाँ पे देखिए जग भी नाउन है, मिल्क नाउन है और आई प्रोनाउन है, ये वर्ब है। ठीक, ये सब प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, बच गया सम क्या है, तो देखिए सम का रिलेशन किससे, या तो इस आई से होगा, या तो मिल्क से होगा, या तो जग से होगा, तो सॉरी मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है जग में, तो देखिए इस थोड़ा सा क्या चीज थोड़ा है, जग थोड़ा सा है कि मैं थोड़ा सा हूं कि मिल्क थोड़ा सा है, तो मिल्क थोड़ा सा है, तो इसका मतलब इस सम का प्रयोग इस सेंटेंस में मिल्क के लिए किया गया है, यहाँ सम का यूज हम लोग पेन के लिए किए थे, यहाँ सम किसके लिए है, मिल्क के लिए, तो इसका मतलब सम का रिलेशन इस मिल्क से हुआ और इस मिल्क को ही ये क्वालिफाई कर रहा है। मिल्क क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, अब ये एडजेक्टिव हो गया। अब बात ये है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो देखिए वो क्या है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो मिल्क क्या है, ये अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का क्या होता है, क्वांटिटी होता है, क्या होता है, क्वांटिटी, इसका मतलब है क्वांटिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ये भी समय, ये भी समय, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसका नंबर है, और ये जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसका क्वांटिटी है।
ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अरे समझ में आ रहा है तो कम से कम लाइक तो करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर बाद में करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे देखिए रेड बटन से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप दबा दीजिए। अगर कर चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, एक ही बार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है। चलिए देखिए, उसी तरह से देखिए लिखा है आई हैव नो मिल्क, आई हैव नो मिल्क। अभी सेंटेंस में देखिए ये नो, ये दोनों एडजेक्टिव, ये नो एडजेक्टिव है, मिल्क नाउन है, बुक नाउन है, ठीक है ना। अब नो मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है, ये नो बुक को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। ये नो मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है, ये बुक को। मिल्क क्या है? नाउन। बुक क्या है? नाउन। नाउन दोनों हैं, ठीक। ये दोनों नाउन को ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अंतर इसमें यह है कि ये अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और ये काउंटेबल को। तो ये काउंटेबल को, ये नो इस काउंटेबल को क्वालिफाई कर रहा है। अकाउंटेबल का क्या होता है? नंबर होता है। तो इसका मतलब ये नो इस बुक का नंबर बताएगा। क्या बताएगा? नंबर। है एडजेक्टिव, इस बुक का नंबर बताएगा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये नो इस मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है। अब मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का क्या होता है? क्वांटिटी। तो ये इस मिल्क का क्वांटिटी बता रहा है। तो है एडजेक्टिव, बता रहा है क्वांटिटी, तो इसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। ये दोनों में अंतर है। एडजेक्टिव ये भी है, एडजेक्टिव ये भी है। ये नो जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसका नंबर होता है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। ये नाउन जिसको क्वालिफाई कर रहा है, नहीं सॉरी, ये नो जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसका क्वांटिटी होता है, मिल्क का क्वांटिटी होगा, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और ये नो जिसको क्वालिफाई कर रहा है, जिसको क्वालिफाई करा है उसका नंबर होगा, तो इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, ठीक। चलिए देखिए, आपके सारे प्रश्नों का आंसर यही मिलता चला जाएगा, सारे प्रश्नों का आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक। वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ही गेव मी ए लॉट ऑफ मनी, ठीक। अभी देखिए ए लॉट ऑफ ये एडजेक्टिव है, ए लॉट ऑफ ये भी एडजेक्टिव है। ये इस मनी को क्वालिफाई कर रहा है और ये इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। मनी क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। बॉय क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है? काउंटेबल, ठीक है ना। तो इस देखिए, इस ए लॉट ऑफ और इस ए लॉट ऑफ में एक ही अंतर है कि ये एडजेक्टिव दोनों हैं, ये अनकाउंटेबल को क्वालिफाई कर रहा है, ये अनकाउंटेबल को, तो इसका मतलब एक क्वांटिटी बताएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और ये अलॉट ऑफ बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक, ये नंबर बता रहा है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक। जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसको देखना चाहिए कि उसका नंबर होता है कि क्वांटिटी होता है। अगर उस नाउन का नंबर होगा तो एडजेक्टिव नंबर बताएगा, और अगर उस नाउन का क्वांटिटी होगा तो एडजेक्टिव क्वांटिटी बताएगा, और उसी के अनुसार उसका नाम रख देंगे, ओके। अब देखिए, ये कुछ एडजेक्टिव आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हैं। मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो केवल क्वांटिटी बताते हैं, केवल क्वांटिटी। अभी जैसे पीछे के एग्जांपल में था सम था ना, तो सम क्वांटिटी, सम पेन वो भी सही है, और सम मिल्क वो भी सही है। तो सम क्वांटिटी भी बताता है, नंबर दोनों बताता है, तो दोनों सही है, ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है कि सम ऐसा एडजेक्टिव है जो, अरे क्या नाम है, क्वांटिटी भी बताता है, नंबर भी बताता है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्योर क्वांटिटी बताते हैं, वो नंबर नहीं बताते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा नंबर बताते हैं, क्वांटिटी नहीं बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नंबर भी बताते हैं, क्वांटिटी भी बताते हैं। देखिए, एडजेक्टिव, ये सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमेशा क्वांटिटी बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वांटिटी। लिटिल हमेशा क्वांटिटी बताएगा, मच हमेशा क्वांटिटी बताएगा, द क्वांटिटी ऑफ हमेशा क्वांटिटी बताएगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ, देखिए यही है क्वांटिटी, क्वांटिटी है ना। अगर कोई भी एडजेक्टिव है क्वांटिटी उसमें दिया हुआ है तो वो एडजेक्टिव, वो क्वांटिटी ही बताएगा।
चाहे उस क्वांटिटी के पहले लार्ज जोड़ लीजिए और चाहे उस क्वांटिटी के पहले स्मॉल जोड़ लीजिए। मतलब लार्ज क्वांटिटी भी होता है, स्मॉल क्वांटिटी भी होता है। तो यहाँ भी क्वांटिटी, यहाँ भी क्वांटिटी लिखा ना, क्वांटिटी है इसका मतलब क्वांटिटी ही बताएगा। उसी तरह से अमाउंट एक क्वांटिटी बताएगा, अमाउंट के पहले यहाँ लार्ज जोड़ लीजिए और चाहे स्मॉल जोड़ लीजिए। मतलब कि द अमाउंट ऑफ भी होता है, द लार्ज अमाउंट ऑफ होता है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ होता है। तो अमाउंट आ गया ना, तो इसका मतलब क्वांटिटी, अमाउंट मतलब क्वांटिटी, चाहे उसके साथ लार्ज लगाओ चाहे स्मॉल लगाओ। ठीक, ये देखिए ये सब हमेशा क्वांटिटी के लिए आएंगे। ठीक, ये गुड डील ऑफ क्वांटिटी बताएगा, ए ग्रेट डील ऑफ क्वांटिटी बताएगा। मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमेशा क्वांटिटी ही बताएंगे, ये कभी नंबर नहीं बताएंगे, तो क्वांटिटी बताएंगे। ठीक, तो इसका मतलब इनके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए ये ऐसे हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं, माने ये ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि इनके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि क्वांटिटी जिस नाउन की बताई जाती है उसी की बताई जाएगी जिसकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, और क्वांटिटी क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर। तो मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं जिनके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही आना चाहिए, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक, आ जाइए फिर देखिए, ये हैं, देखिए ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्वांटिटी भी बताते हैं, नंबर दोनों बताते हैं। ठीक है, ये आल ये क्वांटिटी भी बताएगा, नंबर भी बताएगा, सम एड क्वांटिटी भी बताएगा, नंबर भी, नो एडजेक्ट क्वांटिटी भी बताएगा, नंबर भी। ठीक है ना, ठीक, इसका मतलब ये सब की मैं बात कर रहा हूँ, एलाट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट, एनफ, आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए यही है। ठीक है ना, जो आग शुरू में मैंने पूछा था, तो क्या मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा क्वांटिटी भी बता सकता है और नंबर। ठीक, तो देखिए अगर क्वांटिटी बताएगा तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे, अगर ये नंबर बताएगा तो इसके साथ काउंटेबल नाउन लगाएंगे। मतलब कहने का ये है कि इनके साथ काउंटेबल नाउन भी लग सकता है, अनकाउंटेबल भी, इनके साथ केवल काउंटेबल, ठीक, और इनके साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों। ठीक है ना, जैसे देखिए, नो मिल्क, नो ये अनकाउंटेबल है, करेक्ट है, नो बॉय ये काउंटेबल है, ठीक, ये भी करेक्ट है। ठीक, आए समझ में, उसी तरह से देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर एनफ है। अब जो मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था वहाँ देख लीजिए कि जो काउंटेबल नाउन लिखा हूँ मैं कि अनकाउंटेबल, इसके साथ काउंटेबल नाउन, ठीक, और अनकाउंटेबल नाउन दोनों करेक्ट है। ठीक है, एनफ मिल्क भी सही है, एनफ बॉय वो भी सही है। ठीक, तो मतलब ये ऐसे हैं जिनका यूज हम लोग, ठीक है ना, क्वांटिटी के लिए भी कर सकते हैं, नंबर के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। ओके, आगे आइए, देखिए ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो केवल नंबर बताएंगे, क्या बताएंगे, केवल नंबर। ठीक, याद करिए, फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, ये ऐसा एडजेक्टिव है जो केवल क्वांटिटी बताएगा, इसके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक, और ये ऐसा एडजेक्टिव है जो केवल नंबर बताएगा, क्या बताएगा, नंबर। ठीक, और ये इनके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, काउंटेबल। देखिए इनके साथ हमेशा काउंटेबल ही आना चाहिए, क्योंकि नंबर बताएगा, नंबर किसका होता है, अनकाउंटेबल का। अगर इसके साथ हम लोग अनकाउंटेबल, मान लीजिए कि हम इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या बताएगा, नंबर, और अनकाउंटेबल का नंबर होता ही नहीं है, मैच ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे हैं जो केवल नंबर बताएंगे, तो इनके साथ हमेशा काउंटेबल ही आएगा, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर मैं लिख देता हूँ मेनी गर्ल, ठीक है ना, गर्ल ये करेक्ट है, मेनी कौन क्या बताएगा, हमेशा नंबर बताएगा, तो इसके साथ कौन सा नाउन आना चाहिए, काउंटेबल, गर्ल क्या है, काउंटेबल। अगर मैं लिख दूँ मेनी वाटर, क्या लिख दिया, वाटर, अब मेनी क्या बताएगा, इन नंबर के लिए है, अब वाटर का क्या होता है, क्वांटिटी होता है, तुरंत गलत हो गया। ठीक है ना,
आए समझ में। तो मतलब ये ऐसा एडजेक्टिव है जो नंबर बताएगा, इसलिए इसका यूज हमेशा उस नाउन के साथ करना चाहिए जिसका नंबर हो, और नंबर किसका होता है, काउंटेबल का। फिर से सुनिए, ये ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा नंबर बताता है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसे नाउन के साथ करना चाहिए जिसका नंबर होता है, और जिसका नंबर होगा उसी को हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन, इसलिए इनके साथ हमेशा काउंटेबल। ठीक, ये ऐसा एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी बताएगा, इसलिए इसके साथ हमेशा ऐसे नाउन का प्रयोग करना चाहिए जिसका क्वांटिटी होता है, और क्वांटिटी किसका होता है, अनकाउंटेबल का। ठीक, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नंबर भी बताते हैं, क्वांटिटी भी बताते हैं, इसलिए इनके साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का यूज किया जा सकता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा और आपके सारे प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा। जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने प्रश्न किया था, अब आप ये पढ़ लिया आपने, अब इसके आधार पे आप दोनों चेक कर लीजिए कि वो करेक्ट है कि वो इनकरेक्ट है। ठीक है ना। अब जैसे कि देखिए, मैं क्या पूछ रहा था कि लॉट्स ऑफ के साथ मिल्क सही है कि पेन सही है, मतलब इसके साथ काउंटेबल आएगा कि अनकाउंटेबल, वीडियो में बता दिया। सम के साथ काउंटेबल आएगा कि अनकाउंटेबल, वीडियो में बता दिए। अमाउंट ऑफ के बाद काउंटेबल आएगा कि अनकाउंटेबल, वीडियो में मैंने बता दिया। एनफ का बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है ना, ये किस में आएगा, काउंटेबल में आएगा कि अनकाउंटेबल में आएगा। ठीक, अब सारा आंसर मैं ही बता दूंगा, तो फिर आप क्या करेंगे, तो थोड़ा आप दिमाग पर प्रेस करिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपना क्वेश्चन इसमें से ढूंढ लीजिए। ओके, और वीडियो में ढूंढ लीजिए, फिर हमको आप कमेंट करिए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए आगे से देखते रहिए ज्ञान सीखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।